संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। दूसरे अध्याय में जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए किस प्रकार जाता है, इसकी चर्चाएं चल रही हैं। पिछली पाठशाला में हमने बताया था, एक आत्मा एक शरीर को छोड़ के जब दूसरा शरीर ग्रहण करने जाता है तो आकाश के प्रदेशों की पंक्ति के अनुसार जाता है, टेढ़ा नहीं जा सकता। मुक्त जीव कैसे जाते हैं? मुक्त जीव बिल्कुल सीधे जाते हैं। संसारी जीव कैसे जाते हैं? संसारी जीव सीधे भी जा सकते हैं और मोड़ा लेके भी जा सकते हैं, लेकिन उनको चौथे समय में जन्म लेना ही लेना होता है। अधिक से अधिक तीन मोड़े में तीन समय और चौथे समय में जन्म, ये संसारी जीव का जन्म लेने का ढंग है। अब आगे बताएं, अब प्रश्न आता है, अगर संसारी जीव बिना मोड़े वाली गति से जाए तो कितने समय लगेंगे? तो आचार्य सूत्र लिख रहे हैं, देखें, एक समया विग्रह, एक समया विग्रह, बोलिए एक समया विग्रह, संधि विच्छेद करें, एक समया अविग्रह, विग्रह माने मोड़ा, अविग्रह माने बिना मोड़े वाली गति, बिना मोड़े वाली गति एक समया एक समय वाली होती है। जो संसारी आत्मा यहां मरण किया और मान लो यही उसने जन्म ले लिया, या सीधा ऊपर जाके जन्म लिया, मान लो सात राज्यों भी जन्म लिया, कितना लगेगा? एक समय। अविग्रह, कितनी दूर जाओ, नीचे भी जाना है, कलकला पृथ्वी तक भी मान लो पैदा होना है और सीधे गमन हुआ है, तो कितना समय? एक समय। सूत्र का अर्थ क्या है? एक समया अविग्रह, विग्रह माने मोड़, अविग्रह माने बिना मोड़े वाली गति एक समया एक समय वाली होती है, अर्थात उसमें मात्र एक समय लगता है। जी, एक समय का मतलब क्या? एक सेकंड माने? एक सेकंड में तो असंख्यात समय होते हैं। समय क्या है? समय टाइम की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई, उसे हम कहते हैं समय। एक उदाहरण से समझाता हूं। मान लो एक नोट की गड्डी में 100 नोट हैं। उस नोट की गड्डी में हमने प्रेस से पिन लगाया, खट। पिन लगने में कितना समय लगा? एक सेकंड से भी बहुत कम। ठीक है ना? ठीक हुआ? अच्छा, अब उस पिन को एक नोट से दूसरे नोट तक जाने में कितना समय लगा? बहुत कम। आचार्य कहते हैं, एक नोट से दूसरे नोट तक जाने में भी उस पिन को असंख्यात समय लगे। तो ये समय है क्या? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक कोई परमाणु जाए धीमी गति से, तो जितना समय लगता है उसे कहते हैं समय। ये समय काउंटेबल नहीं, हमारे ज्ञान का विषय नहीं, हम घड़ी से इसको माप नहीं सकते। बहुत छोटा, एक आंख की टिंकार में असंख्यात समय होते हैं। इसलिए समय बहुत छोटा होता है। हम इतना समझ लें, टाइम की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई समय है। अगला सूत्र देखें, एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः, एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः, बोलिए एकम द्वौ त्रीन वाना हारकः। सूत्र का अर्थ देखें, एक दो और तीन समय तक वह आत्मा जो विग्रह गति में अन्य शरीर के लिए गमन कर रहा है, वह एक दो और तीन समय तक अनाहारक रहता है। एकम दो त्रीन वा अनाहारक, एक दो और तीन समय तक वह अनाहारक रहता है। तो प्रश्न
प्रश्न उठता है ये आहारक अनाहारक क्या है। परिभाषा ऐसी है, आहारक की परिभाषा, औदारिक वैक्रियक और आहारक शरीर एवं छह पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं का ग्रहण करना आहार है और उसको जो ले रहा है वह आहारक है। अर्थात आत्मा यदि एक मोड़ लेने वाला है तो यहां से मान लो उसको यहां जन्म लेना है तो यूं जाएगा और यूं जाएगा। तो जब वो यहां से यहां आया एक समय हो गया, तो यहां से यहां पहुंचा तो एक समय और लगा। इस समय में यहां से यहां तक किन्हीं वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हो रहा है, अगले समय में यहां से यहां पहुंचा तो उसने वर्गणाओं का ग्रहण कर लिया। यहां उसने वर्गणाओं का ग्रहण माने आहारक हो गया। पहले समय में अनाहारक रहा क्योंकि किसी वर्गणाओं का ग्रहण नहीं हुआ। तो यहां क्या कह रहे हैं कि वह विग्रह गति वाली आत्मा एक दो और तीन समय तक अनाहारक रहती है। तात्पर्य क्या हुआ, यदि वो एक मोड़ा लेती है तो एक समय तक, दो मोड़े दो समय तक, तीन मोड़े तो तीन समय तक अनाहारक रहती है, चौथे समय में आहार ले ही लेती है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट समझ ले, आहारक और अनाहारक, आहार का मतलब भोजन नहीं, तीन शरीर छह पर्याप्तियों के योग वर्गणाओं का ग्रहण है और एक मोड़े में एक समय अनाहारक, अगले समय में वो अपने शरीर के योग वर्गणाओं का ग्रहण करने से आहारक हो जाता है। इस सूत्र में एकम दो तीन तो ठीक है, लेकिन वा शब्द क्यों लिया है? वा शब्द का तात्पर्य थोड़ा ध्यान से सुने, वा शब्द का तात्पर्य है अनाहारक जीव और भी होते हैं, जैसे अयोग केवली भगवान 14वें गुणस्थान में अनाहारक होते हैं, किन्हीं वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करते। जैसे केवली समुद्र घाट में तीन समय तक प्रतर लोप पुरण और प्रतर में कार्बन का योग होता है तब केवली अनाहारक होते हैं। इसलिए वा शब्द से ये लेना है कि जीव विग्रह गति में एक दो और तीन समय तक तथा इसके अलावा अयोग केवली अवस्था में अथवा केवली समुद्र घाट में तीन समय तक अनाहारक रहता है, अर्थात किन्हीं वर्गणाओं का ग्रहण नहीं करता। आत्मा एक शरीर को छोड़कर विग्रह गति से अगले शरीर के लिए उत्पत्ति स्थान पर पहुंचा तो जन्म लिया, तो जन्म कितने प्रकार का होता है ये अगले सूत्र में देखिए। सम्मूचन गर्भोपपादा जन्म, सम्मूचन गर्भोपपादा जन्म, बोलिए सम्मूचन गर्भोपपादा जन्म। जन्म तीन प्रकार के हैं, सम्मूचन गर्भ और उपपाद। सूत्र बड़ा सरल है, सम्मूचन गर्भ और उपपाद जन्म तीन तरह के होते हैं। जरा परिभाषा देख ले, सम्मूर्छन जन्म बिना माता पिता के वातावरण में से शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके आत्मा अपना शरीर बना लेता है, उसे कहते हैं सम्मूर्छन जन्म। मां के पेट में जो पैदा होते हैं, मां के खाए हुए भोजन से जो बड़े होते हैं और गर्भ से बाहर आते हैं उनका होता है गर्भ जन्म, और जो देव और नारकी ये कैसे पैदा होते हैं, इनके उत्पत्ति के स्थान बने हुए हैं। देव यहाँ पैदा होगा वहां उसकी उत्पाद से यह है, नारकी यहाँ पैदा होगा ये उसकी उत्पाद से यह है। आत्मा यहाँ आया और अपने शरीर के योग वैक्रियक शरीर के योग वर्गणाओं को ग्रहण किया और अपना शरीर बनाया, ये जन्म कैसा माना जाएगा, उपपाद जन्म।
देव और नारकियों का जो जन्म उपात सैया में होता है उसे हम कहते हैं उपात जन्म। एक बार फिर समझे, समूर्छन जन्म बिना माता पिता के वातावरण के कारण वातावरण में से ही अपने शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करके जो शरीर बनता है वह जन्म है समूर्छन जन्म। जैसे गर्मी पड़ रही थी, अचानक एक दिन जोर की बारिश हुई, शाम को हमने क्या देखा, लाइट के ऊपर मच्छर ही मच्छर। ये मच्छर कहां से आ गए? ये मच्छर, इन्हें उत्पत्ति के योग्य वातावरण मिला और आत्माएं, सारी आत्मा उस वातावरण में आई, शरीर के योग्य परिणामों को ग्रहण किया और मच्छर मच्छर पैदा हो गए। इसे कहते हैं समूर्छन जन्म। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री जीव, इन सबका तो नियम से समूर्छन जन्म ही होता है। सभी ऐसे होते हैं। गर्भ जन्म, जैसे हम मनुष्य माँ के पेट से जो जन्म होता है उसे कहते हैं गर्भ जन्म। और देव और नारकियों का जो जन्म होता है, जो उपात सैया पर आत्मा पहुंचती है, वैक्रिय शरीर के योग वर्गणाओं को ग्रहण किया और वैक्रिय शरीर का जन्म हो गया उसे हम कहते हैं उपात जन्म। जन्म तीन प्रकार का होता है, देव और नारकियों का उपात जन्म, त्रिंच और मनुष्यों का समूर्छन और गर्भ, दोनों प्रकार का जन्म होता है। आपने कहा मनुष्यों का समूर्छन जन्म होता है, वो कैसे? मनुष्यों का जन्म दो प्रकार का शास्त्रों में बताया है, एक गर्भ जन्म जैसे जनरली हम सबका हुआ, एक होता है समूर्छन जन्म। समूर्छन जन्म जिन मनुष्यों का होता है वो हमारे देखने में नहीं आते, लेकिन स्त्रियों के गुह्य प्रदेशों में, हमारे कान नाक आंख के मेल में, या जहां बहुत सारे सेना आदि के लोग मजबूत क्षेपण करते हो उन स्थानों में सूक्ष्म मनुष्य पैदा हो जाते हैं, बहुत छोटे। वे कैसे पैदा होते हैं? उन्हें वातावरण मिला और पैदा हो गए, ऐसे उन्हें हम क्या कहेंगे? समूर्छन मनुष्य। क्या वो हमारे देखने में आते हैं? नहीं आते। क्या विज्ञान की पकड़ में आते हैं? नहीं आते, लेकिन आगम में उनका उल्लेख मिलता है। इसलिए मनुष्य दो प्रकार के, समूर्छन और गर्भज दोनों। जन्म का प्रसंग हुआ, अब जन्म कहाँ होता है, जन्म का आधार क्या है, वो कितने प्रकार का आधार होता है, ये अगले सूत्र में आचार्य लिख रहे हैं। सचित शीत संव्रता सेतरा मिश्रास चैकशस तद्योनय। सचित शीत संव्रता सेतरा मिश्रास चैकशस तद्योनय। दोबारा बोले, सचित शीत संव्रता सेतरा मिश्रास चैकशस तद्योनय। नहीं, चैकशस तद्योनय बोले, से सही उच्चारण करें, चैकशस तद्योनय। द्वारा बोलिए पूरा सूत्र, सचित शीत संव्रता सेतरा मिश्रास चैकशस तद्योनय। ठीक, सूत्र का अर्थ देखें, सूत्र का अर्थ थोड़ा सा जरा कड़ा है तो मैं बोर्ड से पढ़ाता हूँ। इस सूत्र में, सचित शीत संव्रता वाले सूत्र में उत्पत्ति स्थान कितने प्रकार के होते हैं उसकी चर्चा है। हम लोग कहते हैं ना 84 लाख योनियों में, योनि का मतलब उत्पत्ति स्थान, उसकी चर्चा है। 84 लाख विस्तार से है और अगर संक्षेप से बात करें तो उत्पत्ति स्थान 9 प्रकार के होते हैं। कैसे, देखे जरा सूत्र को, सचित शीत और संवृत तीन प्रकार के उत्पत्ति स्थान, स इतरा, इतरा माने उल्टे, ध्यान से देखें सूत्र थोड़ा सा कड़ा है जरा, स इतरा इनसे उल्टे। क्या मतलब? सचित का उल्टा अचित, शीत का उल्टा उष्ण, संवृत का उल्टा विव्रत, ये हुआ सेतरा। तीन ये
और तीन इससे उल्टे छह, और मिश्राह, मिश्रा माने इन्हें मिला दो, इनका उल्टे से मिला दो, सचित्ता चित्त शीतोष्ण संवृत विवृत। एक बार फिर देखिए जरा, उत्पत्ति स्थान कैसे होते हैं, जीव जहां जन्म लेता है वो उत्पत्ति स्थान कैसा होता है, सचित्त जीव सहित, शीत ठंडा, संवृत उघड़ा हुआ ओपन। अब इनसे उल्टे स इतरा, इनसे उल्टे से सहित, अर्थात जीव सहित से उल्टा अचित जीव रहित, शीत से उल्टा उष्ण, संवृत अर्थात ढका हुआ, और विवृत माने उघड़ा हुआ। इस तरह ये सेतरा, मिश्रा, मिश्रा में हमने क्या लिया, सचित्ता चित्त, जीव और अजीव मिक्स, शीतोष्ण ठंडा और गर्म मिला हुआ, और संवृत विवृत कुछ ढका कुछ उघड़ा हुआ, इसे हमने कहा मिश्रा। और च और एक शह, मतलब एक में एक मिलाने से तत् योनयः, उन जन्मों के योनि माने उत्पत्ति स्थान होते हैं, अर्थात सचित्त अचित्त, सचित्ता चित्त, शीत उष्ण शीतोष्ण, संवृत विवृत संवृत विवृत। इस प्रकार जीवों के, इन जन्म वाले जीवों के नौ प्रकार के योनय मन उत्पत्ति स्थान कहे गए हैं। कृपया इस सूत्र को उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से समझ लें, मान लीजिए हम देवों की उत्पत्ति की चर्चा करें, देवों की उत्पत्ति स्थान सचित्त नहीं अचित्त जीव रहित तो होते हैं, उत्पत्ति स्थान अचित्त। अब शीत उष्ण या शीतोष्ण, देवों के उत्पत्ति स्थान शीतोष्ण। अच्छा, संवृत या विवृत, ढके या उघड़े, संवृत ढके हुए होते हैं, किसी को उनकी उत्पत्ति का ढंग मालूम नहीं होता। तो देवों के उत्पत्ति स्थान अचित्त हुए, शीतोष्ण हुए और विवृत हुए, नहीं संवृत हुए, संवृत माने ढके हुए। अच्छा, मनुष्यों की बात करें, मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान मां का पेट, मां के पेट में जो ब्लड पहुंचा जिसमें मनुष्य को जन्म लेना है, ब्लड अजीव, मां का पेट जीव, तो उत्पत्ति स्थान कैसा हुआ, सचित्ता चित्त। अच्छा, मां का पेट ढका है या उगड़ा, ढका भी है और उगड़ा भी है, क्योंकि देखने में आ जाता है। और तीसरा, शीत है या उष्ण, किन्हीं का शीत है जो ठंडे स्थानों में रहते हैं, जो गर्म स्थानों में रहते हैं उनका उष्ण है, किन्हीं का शीतोष्ण है। इस तरह जीवों के उत्पत्ति स्थान अलग अलग प्रकार से हैं। यहाँ आचार्य ने बताया समूचन गर्भ और उत्पाद जन्म वालों के उत्पत्ति स्थान नौ प्रकार के संक्षेप से होते हैं, और यदि इनका विस्तार किया जाए तो ये उत्पत्ति स्थान 84 लाख प्रकार के होते हैं। प्रश्न उठा, गर्भ जन्म कितने प्रकार का होता है, तो आचार्य ने अगला सूत्र लिखा, जरा युजांड पोता नाम गर्भः, बोलिए गर्भ, गर्भ जन्म तीन प्रकार का होता है, जरायुज अंडज और पोत। गर्भ जन्म के तीन भेद हैं, पहला जरायुज, मनुष्यों का जन्म होता है ना जेल सहित होता है, ऊपर एक हल्का सा पतला खोल होता है, उसके अंदर जीव होता है, इसे कहते हैं जरायुज। जो अंडे से पैदा होते हैं, मुर्गी का अंडा आदि, इन्हें कहते हैं अंडज।
और जो हिरण के बच्चे शेर के बच्चे होते हैं पैदा होते ही दौड़ने भागने लगते हैं। हिरनी है, हिरनी के पीछे कोई शिकारी दौड़ रहा है। हिरनी का मान लीजिए समय हो गया और उसके बच्चा हुआ, तो हिरनी रुकी, बच्चा हुआ, बच्चे को साथ लिया और भाग गई। इसे हम कहते हैं पोत जन्म। गर्भ जन्म तीन प्रकार का होता है, जरायुज जैसे मनुष्य का, गाय भैंस के बछड़े आदि का हम देखते हैं नाल सहित जो जन्म होता है उसे कहते हैं जरायुज। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं अंडज। और जो पैदा होते ही दौड़ने भागने लगते हैं हिरण शेर आदि के बच्चे उनका जन्म माना जाता है पोत जन्म। इस प्रकार गर्भ से जन्म तीन प्रकार का होता है। गर्भ जन्म की चर्चा हो गई है, अब ये बताएं कि उपपाद जन्म किनका होता है। तो अगला सूत्र आचार्य ने लिखा, देव नारकाणाम उपपादः। देव नारकाणाम उपपादः। बोलिए देव नारकाणाम उपपादः। संधि विच्छेद किया, देव नारकाणाम उपपादः। देव और नारकियों का उपाद जन्म होता है। उपाद जन्म से क्या तात्पर्य है? देव और नारकियों के उत्पत्ति स्थान बने हुए हैं। उन उत्पत्ति स्थानों पर आत्मा आया और अपने वैक्रिक शरीर की योग वर्गणाओं को ग्रहण किया और शरीर बनाया और बाहर आ गया। नारकी तो उपाद संया से नीचे गिरते हैं सिर के बल, और जो देव होते हैं उनकी उपाद संयाएं तो बड़ी सुंदर होती हैं, उनमें वो पैदा होते हैं और उपाद संया में से बड़े आनंद के साथ बाहर आते हैं। तो उपाद संया पर आत्मा आया और वैक्रिक शरीर की योग वर्गणाओं को ग्रहण करके जहाँ जन्म होता है उस जन्म को हम कहते हैं उपपाद जन्म। ये किनके होता है? मात्र देव और नारकियों का होता है। सबका एक ही जन्म होता है और देव नारकियों के अलावा उपाद जन्म और किसी का नहीं होता, ये सूत्र में कहा गया है। अब संमूर्छन जन्म की बात देखें। शेषाणाम संमूर्छनम। शेषाणाम संमूर्छनम। बोलिए शेषाणाम संमूर्छनम। शेषाणाम बचे हुए जीवों का संमूर्छनम संमूर्छन जन्म होता है। जिन जीवों का गर्भ जन्म नहीं होता, जिन जीवों का उपपाद जन्म नहीं होता, उन सब जीवों का संमूर्छन जन्म मानना चाहिए। शेषाणाम में सब दे दिए। गर्भ जन्म किनका? पंचेंद्रीय मनुष्य और त्रिंशों का। उनमें भी किन्हीं का जो संमूर्छन मनुष्य होते हैं ना उनका संमूर्छन, और पंचेंद्री मच्छ आदि भी संमूर्छन। तो जो गर्भ जन्म वाले होते हैं मनुष्य और त्रिंच, अब जो बचे मनुष्य और त्रिंच वो सब संमूर्छन। गतियां चार होती हैं, नरक गति और देव गति, उपाद जन्म। मनुष्य और त्रिंच इनके दो जन्म, इनमें पंचेंद्री मनुष्य होते हैं, तो मनुष्यों का और पंचेंद्री त्रिंशों का जो जन्म होता है उनमें गर्भ जन्म वाले होते हैं, कुछ संमूर्छन होते हैं। तो गर्भ जन्म वाले त्रिंश और मनुष्यों को छोड़कर से सभी त्रिंशों का और कुछ मनुष्यों का संमूर्छन जन्म होता है। शेषाणाम अर्थात गर्भ जन्म से बचे हुए मनुष्यों का और गर्भ जन्म के अलावा त्रिंशों का जन्म संमूर्छन जन्म है। कोई भी नारकी या देव संमूर्छन जन्म वाले नहीं होते, वे सारे के सारे उपाद जन्म वाले होते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री और चार इंद्री तक के सभी जीव संमूर्छन जन्म वाले ही होते हैं। पंचेंद्री त्रिंशों में दो तरह के होते हैं, संमूर्छन और गर्भज, और मनुष्य भी दो प्रकार के, संमूर्छन और गर्भज। इसलिए शेषाणाम का अर्थ क्या लगाएंगे? गर्भ जन्म वाले मनुष्य और त्रिंशों को छोड़कर
वो पांच जन्म वाली नारकी और देवों को छोड़कर से सभी मनुष्य और त्रेंचों का समूर्छन जन्म होता है। सबसे ज्यादा जन्म वाले जीव कौन? समूर्छन जन्म वाले। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या है निगोदिया जीवों की। निगोदिया जीवों की संख्या अनंतानंत। निगोदिया जीव एक इंद्रिय, उनका जन्म समूर्छन। तो सबसे ज्यादा जन्म होता है समूर्छन जीवों का। इस तरह तीन प्रकार के जन्मों में ऐसी व्याख्या समझनी चाहिए। आज हमने क्या क्या पढ़ा? विग्रह गति में कितना समय लगता है, किन जीवों की विग्रह गति कितने समय वाली होती है, मुक्त जीवों की एक समय वाली, बिना मुड़े वालों की एक समय वाली, एक मुड़े वाली की दो समय, दो मेड़े वालों का तीन समय, तीन मुड़े वाले की चार समय वाली होती है। हमने ये भी आज पढ़ा कि इसमें जीव कितने समय तक अनाहारक रहता है, एक दो और तीन समय तक। फिर यथा स्थान पहुंच के क्या होता है? जन्म होता है। जन्म तीन प्रकार का, समूर्छन, गर्भ और उपपाद। समूर्छन जन्म किनका होता है? त्रेंच और मनुष्यों का। गर्भ जन्म किनका होता है? त्रेंच और मनुष्यों का। और उपपाद जन्म होता है देव और नारकियों का। इस तरह आज इतनी व्याख्या हमने सुनी। हमें ये सबको सुन के क्या भाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? हे भगवान, ऐसा अवसर कब आएगा जब मैं इन जन्म मरण के दुखों से सबसे छूट जाऊंगा, मैं कब सिद्ध बनूंगा? ऐसी भावना भानी चाहिए। जीव के जन्म, विग्रह गति आदि सब स्थान मुझे अच्छे नहीं लगते, प्रभु मेरा जन्म मरण अब समाप्त कर दो ना। अगर ऐसी भावना हम भाएंगे तो हमारा पढ़ना सफल होगा। मैं ऐसा सोचता हूँ, शायद आपको तत्वार्थ सूत्र ज्यादा कड़ा नहीं लग रहा होगा। पहले नाम जरूर मालूम पड़ता था, बहुत कड़ा है, संस्कृत के सूत्र है, महान शास्त्र है। खैर, शास्त्र तो महान है पर कड़ा नहीं। जरा सा सूत्र पे अगर ध्यान देंगे ना तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। और यहाँ से जाने के बाद अगर आपने इसका रिवीजन कर लिया ना, फिर क्या कहना है, फिर तो कभी भूलेंगे ही नहीं। जैन धर्म का महान शास्त्र है, इसके लिए पूरा उपयोग लगाइए और इसका अध्ययन करिए। हमारी भावना है कि आपको ये तत्वार्थ सूत्र पूरा हृदयंगम हो जाए, आपके जीवन में प्रवेश कर जाए और आपका जीवन धार्मिकता की ओर बढ़े। समय आपका हो रहा है।